तो गाइस आपका स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे टेकी किसी ब्रॉस चैनल में। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं गाइस आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है गाइस के आपके पास साथ भी ऐसा कभी प्रॉब्लम होता होगा कि गाइस आपको अपडेट मिलता है, अपडेट मिलने के बाद आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐसा कि गाइस मुझे अपडेट मिला था, मैंने अपडेट को डाउनलोड भी कर लिया और उसके बाद मैंने अपडेट को इंस्टॉल करने गया तो अपडेट इंस्टॉल नहीं हुआ। तो गाइस अगर आपके भी एमआई में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है खासतौर पर रेडमी नोट 6 प्रो में, तो गाइस उसके लिए क्या करेगा आपको इस वीडियो को उसके अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि गाइस हो सकता है कि आपको ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो उसके लिए क्या करना है आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल उसके बारे में। तो गाइस मैं सिर्फ अविनव चौधरी, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात करें जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस यहाँ रहा हमारा रेडमी नोट 6 प्रो। गाइस बात करें हमें इसमें अपडेट मिला था MIUI 11.0.3.0 का जो कि गाइस मैं डाउनलोड कर ही लिया था। और गाइस बात करें मैं सोचा कि उसको बाद में इंस्टॉल कर लूँगा, तो गाइस बाद में उसको जब इंस्टॉल करने गया तो गाइस वो अपडेट मुझे दोबारा गायब हो गया। गाइस वो अपडेट मेरे फोन में वैसे भी डाउनलोड हो चुका था डाउनलोड रोम के फोल्डर में। तो गाइस चलिए उसे चेक करते हैं। बात करें सबसे पहले आपको इस MIUI पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके पहले गाइस यहाँ पे आपको डबल टैप करिएगा, ट्रिपल टैप, उससे क्या होगा आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जो ऑप्शन आपने देखा कि चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन गाइस तभी आपको मिलेगा। और देख सकते हो उसके बाद मैं अपना इंटरनेट स्टोर में जा रहा हूँ। इंटरनेट स्टोर में जाने पर आप देख सकते हैं डाउनलोड रोम का फोल्डर था गाइस, मुझे वहीं पर वो फाइल मिला था MIUI का जो अपडेट आई थी ऑफिशियल अपडेट। तो गाइस मैंने क्या किया, मैंने उसे इससे बाहर निकाल दिया है फोल्डर से गाइस और उसे रीनेम कर दिया है अपडेट डॉट जिप फाइल करके। तो गाइस अब उस फाइल को मैं मैन्युअली चलाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने रेडमी नोट 6 प्रो में। तो गाइस चले आगे देखते क्या होता है। गाइस हो सकता है कि आप भी कोई भी एमआई का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे गाइस जिसमें गाइस आपको ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ी होगी। तो गाइस मैं वही बताना चाहता हूँ, आप लोग की हेल्प करना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप क्या करें कि आप लोग का इसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपना ऑफिशियल अपडेट। तो चलिए अपडेट डॉट जिप पे क्लिक करते हैं। गाइस उससे पहले आपको दिखा देता हूँ गाइस आपको कहाँ पे डाउनलोड रॉम को फोल्डर मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाएंगे फाइल मैनेजर में, आपको देख सकते हैं जी हाँ गाइस यही वो डाउनलोड रॉम का फोल्डर है जहाँ पर आपका अपडेट डाउनलोड हो जाता है। गाइस आप देख सकते हैं आपको यहीं पर अपडेट देख सकते हैं गाइस आपको यहीं पर वो अपडेट देखने को मिलेगा डाउनलोड रॉम फोल्डर में। तो गाइस चलिए बात करते हैं, नीचे चले जाते हैं, नीचे बढ़ते हुए आपको मैं दिखाता हूँ अपडेट डॉट जिप। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने उस फाइल को रीनेम कर दिया था अपडेट डॉट जिप फोल्डर में, गाइस उससे बाहर निकाल दिया गया, सोचा कि इसे चलिए मैनुअली इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस अपडेट डॉट जिप फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब वो डेटा को रिट्राइव करने की कोशिश कर रहा है गाइस। सबसे पहले बात आपको ये सब करने से पहले आपको अपनी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाना है, आपके पास डेटा नेटवर्क हो तो अपना मॉल डेटा ऑन कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइस क्या बोल रहा है, कांट वेरीफाई अपडेट, गाइस ये अपडेट वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। तो गाइस आप या तो दो तरीके कर सकते हैं, एक तो जो गाइस आप ये कर सकते हैं कि आप इसको चाहे तो दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं और कोई ऑफिशियली वेबसाइट से गाइस डाउनलोड करके तो फिर दोबारा ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही चढ़ जाए तो गाइस बहुत अच्छी बात है। तो गाइस मैं चलो दूसरा तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में गाइस आपको क्या करना है। तो गाइस ऐसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाना है, मोर ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करना है। फीडबैक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको MIUI को यहाँ पर अपनी जो आपके साथ इशू हुआ आपको इशू यहाँ पे भेजना होगा। तो देख सकते हैं आप इशू पे क्लिक करिए, उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए आपके साथ क्या हुआ है। आप स्क्रीन शॉट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना इमेज और बात करिए अपने पे आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ोन नंबर ईमेल डाल लीजिए और गाइस सेंड बटन पर क्लिक करिए। तो देख सकते हैं कैसे मैंने भी सेंड इशू अपना कर दिया है। तो गाइस 24 आवर के बाद गाइस चलिए एक बार सेटिंग में दोबारा विजिट करते हैं और सेटिंग विजिट करने के बाद चेक करते हैं गाइस बूम। और जैसे कि देख सकते हैं गाइस हमें MIUI का वर्जन 11.0.3.0 का अपडेट मिल चुका है जो कि बात करें 371 MB का एक स्टेबल अपडेट है, जिसमें बात करें कि हमें अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट मिलता है February 2020 का। और अगर बात करें इसमें देख सकते हैं आपको आपका सिस्टम सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाता है। और भी गाइस इसमें क्या कैसे अपडेट आए हैं गाइस उसके लिए गाइस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा गाइस। और गाइस अगर अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कोई भी अपडेट के लिए। गाइस रेडमी फोन में कभी भी कोई भी अपडेट आती है तो उसके पहले गाइस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी खासतौर पर रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 6 प्रो से। तो गाइस उसके लिए क्या करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा जिससे क्या होगा आपको हमारी तरफ से नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो गाइस देख सकते हैं जैसा कि अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस जैसे कि बात करें आप हमारे वीडियो में दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे गाइस तो इसी तरह आप अपना MIUI वर्जन 11.0.3.0 अपडेट का इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस बात करें अगर आपको तब भी अगर अपडेट ये नहीं मिलता है गाइस अभी नहीं आ रहा है अपडेट, तो गाइस आपको मैं कहूँगा कि आप कुछ दिन का वेट जरूर कर ले या एक वीक का, हो सकता है गाइस आपको अपडेट भी मिल जाएगा आपके अपने रेडमी नोट 6 प्रो में। तो गाइस देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस चलिए डाउनलोड को फिनिश करते हैं, आपको ले चलते हैं हमारे रेडमी नोट 6 प्रो में, गाइस दिखाते हैं और सब क्या क्या फीचर्स और न्यू सेटिंग्स देखने को मिली है।
तो ऐसा कि देख सकते हैं हमारा ये MIUI का वर्जन 11.0.3.0 का अपडेट डाउनलोड हो गया है। तो गाइस चलिए इसको मैं इसको रिबूट कर लेता हूँ। रिबूट करने के बाद इसको इंस्टॉल करके गाइस आपको चलिए इसके ऑसम्स फीचर्स दिखाते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जोर देखना है। अगर इस वीडियो पसंद आ रहा है इस वीडियो को कम और एक लाइक जरूर कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस अपडेट को मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में। जैसे गाइस मैंने आपको दिखाया कि आपको कैसे अपडेट डाउनलोड करना है, तो गाइस आप उस स्टेप को फॉलो करें उसके बाद ही गाइस आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने अपडेट को अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में। तो गाइस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिले हैं जो कि गाइस मैं आपको बता देता हूं। और भी गाइस कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। उन फीचर्स के लिए गाइस मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे तो गाइस मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा उन सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। तो गाइस पहला फीचर आपको मिलता है होम स्क्रीन पे। यहाँ गाइस आपको पिंच करना है इस तरह से, और फिर गाइस आपको जाना है सेटिंग के अंदर, मोर ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको देख सकते हैं होम स्क्रीन के ऑप्शन में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस आपको मिल गया है ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन, जो कि गाइस आप देख पा रहे हैं आपको ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिल गया है अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में। जी हाँ गाइस, तो गाइस अगर आपको इस ऐप ड्रॉअर को इनेबल करना है तो गाइस आपको इस तरह इस पे क्लिक करना है और इसे ओके करके छोड़ देना है। फिर गाइस आपको होम पे आ जाना है। आपका फोन थोड़ा देर के लिए हैंग टाइप का हो जाएगा, फिर गाइस थोड़ा देर बाद ये अपने आपको परफेक्टली एडजस्ट कर लेगा। फिर गाइस आप देख पाएंगे कि आपकी अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में आपको ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है। जी गाइस आप देख सकते हैं, बूम गाइस आप देख पा रहे हैं कि आपके अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में ऐप ड्रॉअर आपको मिल गया है। और इस ऐप ड्रॉअर में भी गाइस आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज एप्स को बांटा गया है, जैसे कि ऑल कैटेगरी आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट देख सकते हैं, फोटोग्राफी, टूल्स, न्यूज एंड रीडिंग, शॉपिंग, गेम्स, लाइफस्टाइल, फाइनेंस एंड बिजनेस का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, पर्सनलाइजेशन का भी ऑप्शन है, नॉलेज एंड एजुकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ गाइस आपको इसे एडजस्ट करने के लिए ऊपर की ओर एक बटन दिया गया, जो कि गाइस आप देख सकते हैं 3 लाइन आपको दिए गए हैं ऊपर की, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया ऐप सजेशन, आप चाहते इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मैनेज अप कैटेगरीज है, आप चाहते हैं कि आपके सारे ऐप्स एक ही कैटेगरी में दिखाई दें तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपके ऐप्स जो भी हैं वो सारे आपको ऑल कैटेगरी में दिखाई देंगे, और गाइस अगर आप इसे दोबारा इनेबल करेंगे तो आपके ऐप्स इन कैटेगरी में दिखाई देंगे। और गाइस अगर आप नया कैटेगरी ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो गाइस नीचे की ओर आपको ऑप्शन दिया गया जो कि है कस्टम का, इस पे क्लिक करके आप अपना एक नया कैटेगरी बना सकते हैं ऐप्स का, जिसमें कि आप अपने चुनिंदा ऐप को रख सकते हैं, जो कि गाइस आप देख पा रहे हैं। अगला ऑप्शन गाइस आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का है। तो गाइस बैकग्राउंड में आपको 3 टाइप के बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, एक हो गया लाइट, एक हो गया डार्क, एक हो गया सिस्टम का बैकग्राउंड। और इसमें भी गाइस आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। अगर आप इस ट्रांसपेरेंसी को इनेबल करते हैं तो फिर गाइस आपके जो होम स्क्रीन में बैकग्राउंड लगा हुआ है वो बैकग्राउंड आपको डायरेक्टली आपको ऐप ड्रॉअर के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी को हटाने के बाद गाइस देख सकते हैं आपको ये कलर देखने को मिलेगा, और ट्रांसपेरेंसी को अगर आप 100% करते हैं तो आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। और फिर गाइस आप इसे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं गाइस आपको स्क्रॉल बार का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है और एक A to Z का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस तरह से आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में, एक हो गया ओरिजिनल लेआउट, एक हो गया A to Z का, जो कि गाइस आप देख पा रहे हैं। और बात करूं और अपडेट की बात को, तो गाइस और अपडेट आपको सेटिंग के अंदर में मिला है, जो कि गाइस मैं आपको दिखा दूं। नेक्स्ट अपडेट गाइस आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिलता है वॉलपेपर के अंदर, जो कि गाइस आप देख पा रहे हैं ग्लैंस फॉर MI। जी हां गाइस, वॉलपेपर क्राउजल का नाम को चेंज कर दिया गया है ग्लैंस फॉर MI के नाम से। नेक्स्ट अपडेट आपको ये देखने को मिलता है। और गाइस बाकी सारे वही अपडेट्स, जैसे गाइस आपको पता है कि आपको अपने रेडमी नोट 6 प्रो में नाइट मोड मिल, और गाइस आपको अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में फरवरी का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिलता है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। और बाकी गाइस वही सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, डार्क मोड, ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कलर स्कीम, नॉच का भी ऑप्शन आपको मिल गया है, जो कि गाइस आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के नॉच देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और भी गाइस मैंने रेडमी नोट 7 प्रो से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया है कि आपको रेडमी नोट 7 प्रो में भी एक MIUI का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला है। तो गाइस अगर आपको जानना है उस अपडेट में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन से सेटिंग्स मिलते हैं, कौन कौन से न्यू सेटिंग देखने को मिलते हैं, तो गाइस आप उस वीडियो को विजिट कर ले। और गाइस मैंने 60 डेज आफ्टर रिव्यू भी बनाया है रेडमी नोट 7 प्रो का, तो गाइस अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो गाइस आप चेक कर सकते हैं। उसमें गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि आपको रेडमी नोट 7 प्रो में मेजर कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो लेने का सोच रहे हैं तो गाइस आप उस वीडियो को चेक कर लें, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो लेंगे तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे उस फोन में।
और गाइज बाकी आपको वही सारे सेटिंग देखने को आपको मिल जाते हैं रेडमी नोट 6 प्रो में। गाइज अगर मुझे कुछ अच्छा सेटिंग देखने को मिलेगा या कोई इंटरेस्टिंग सेटिंग देखने को अगर मिलता है अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में, तो गाइज मैं उस पर एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिस वीडियो में गाइज आपको बताऊंगा कि उस अपडेट के इस अपडेट को शो करने के बाद आपको कौन कौन से नए सेटिंग देखने को मिलते हैं अपने इस रेडमी नोट 6 प्रो में। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम गाइज।